इफ यू गॉट एग्स इन आर हाउस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन फ्लेवर्स, तो भाई दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी डिशेज आती हैं. अंडा भुर्जी बना लो, अंडे का ऑमलेट बना लो, अपना ये अंडे वाली ब्रेड बना लो, कुछ ना कुछ इंडियन फ्लेवर्स का बना सकते हैं हम लोग. लेकिन एक जो चीज़ है अंडा करी, एग करी, जो कि अब मुझे बहुत पसंद है. मैं दो टाइप की एग करीज बना रहा हूँ, एक अपनी देसी और दूसरी जो है मेरा वर्जन कोकोनट एग करी. वो वाली बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा. आगे वीडियो देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छी रेसिपीज हैं दोनों. सो लेट्स टॉक अबाउट एग. तो यहाँ पर मैं बॉयल्ड एग यूज़ करूँगा, ठीक है. एग करी के लिए ऑब्वियसली हम लोग बॉयल्ड एग यूज़ करेंगे. सो जब भी हम बॉयल कर देना है एग को, तो उसको हार्ड बॉयल करना है अराउंड 10 to 11 minutes. और आपने कभी नोटिस किया होगा, जब भी एग के ऊपर एक सिल्वर कलर की कोटिंग हो जाती है, उसका मतलब होता है कि एग्स हमारे ओवर बॉयल्ड है. तो हमें ओवर बॉयल नहीं करना है, हमें हार्ड बॉयल करना है. सो फर्स्ट जो मैं बना रहा हूँ एग करी, वो हम देसी से चालू कर रहे हैं, ठीक है. बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, एवरी इंग्रेडिएंट्स सो सटल, इजी टू यूज एंड टेस्ट में बहुत अच्छी लगेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर देसी एग करी. पहले तो भैया ऑयल डाल देते हैं. तो ये गया इसमें अपना बेलीफ, दालचीनी, दो हरी इलायची और दो लौंग. अब थोड़ा इसका फ्लेवर इंड्यूस होना चालू हो जाएगा ऑयल में. अब डालूंगा मैं इसमें जीरा, ठीक है. जीरा डालने के बाद इसमें जाएगा हमारा फाइन चॉप अनियन. अनियन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी देसी एग करी में. सॉल्ट, एज यू नो सॉल्ट हेल्प करता है अनियन को स्वेट करने में, तो ये जल्दी कुक होंगे. सो बेसिकली यहाँ पर हमें अनियंस को है ना गोल्डन ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा करना है, एकदम काला भी नहीं करना है, जलाना मत. तो गोल्डन ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि इसका कलर अच्छा है हमारी ग्रेवी में. देखिए इतना कलर आना चाहिए इसका. जब इतना कलर आ जाए फिर हम अपने ऐड करेंगे इसमें चॉप ग्रीन चिलीज. देन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट माई फेवरेट जिंजर गार्लिक पेस्ट. थोड़ी देर इसको भुनना है. अब एक बार है ना रॉनेस चले जाए ना जिंजर गार्लिक पेस्ट की, उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारी टमाटो प्यूरे. अब टमाटो प्यूरे ऐड करने के बाद हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से कुक करना है, ठीक है. जब तक इसका टेक्सचर थोड़ा जैमी ना हो जाए, थोड़ा सा थिक हो जाएगा, जेलेटिनस हो जाएगा, तब तक इसको अच्छे से कुक करिए. देखिए थोड़ा जैमी जैमी होने लगा है, जैमी जैमी. अब है ना, अब मैं इसमें ऐड करूँगा हमारे जो तीन किंग होते हैं भैया इंडियन स्पाइसेस के. पहला तो टर्मरिक, दूसरा रेड चिली पाउडर, थर्ड वन ओरिएंडर पाउडर. अब इसको अच्छे से मिक्स करिए. ये टेक्सचर आने लगा इसका भी, ये कुक होना चालू हो गया अच्छे से. सो ग्रेवी थिकनिंग के लिए मैं यहाँ पर कैश्यू नट पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है. कुछ नहीं, आपको बस कैश्यू नट्स लेने हैं, हल्के से रोस्ट करके उसको मिक्सी में घुमा दीजिए, उसका पाउडर बन जाएगा. नहीं तो आप यहाँ पर एग योक्स का भी यूज़ कर सकते हैं. क्या है ना, एग योक्स डालने से उसका अच्छा अंदर फ्लेवर भी आएगा एग का और थिक भी हो जाएगा. ये रहा हमारा कैश्यू नट पाउडर, उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए. अब बारी है इसमें वाटर ऐड करने की. वाटर ऐड करने के बाद थोड़ा फ्लेम बढ़ा दीजिए. अब उसको है ना एक कंसिस्टेंसी तक हम कुक करेंगे अच्छे से. अब जैसे ये थोड़ा सा है ना बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, अब मैं ऐड करूँगा यहाँ पर बहुत मेन हमारा जो उसको एक अच्छी हीट देगा हमारी एग करी को, ब्लैक पेपर पाउडर. तो थोड़ा सा हल्का सा खट्टा रखने के लिए अमचूर पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको. और
सब फ्लेवर्स बैलेंस करने के लिए लिटिल बिट ऑफ शुगर, मिक्स इट वेल। अब मैं ऐड कर दूंगा थोड़ा बटर। ये कंसिस्टेंसी हमारी आ चुकी ग्रेवी की, अब है ना इसका, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कर दूंगा गैस ऑफ, ठीक है। अब मैं ऐड करूँगा यहाँ पर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कसूरी मेथी, अच्छा एक फ्लेवर मिलेगा इसको, साथ में अ पिंच ऑफ गरम मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा। सो हमारी एक ग्रेवी तो ऑलरेडी रेडी हो गई है, अब बारी है हमारी जो कोकोनट वाली करी है उसकी। सो जब दोनों रेडी हो जाएगी ना, उसके बाद मैं लास्ट में एग्स को थोड़ा फ्राई करके उसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो हम वो वाला पार्ट हम लास्ट में एक साथ कर देंगे, अभी हम दूसरी कोकोनट करी बनाते हैं। हेयर आई एम यूजिंग नॉर्मल ऑयल, इफ यू हैव कोकोनट ऑयल यू कैन ऑल्सो यूज दैट ऑल्सो। जब हमारा ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से, फिर हम ऐड करेंगे इसमें मस्टर्ड सीड्स। ओके, एक बार अच्छे से मस्टर्ड चीज पॉप हो जाए, हाँ ये हुई ना बात। अब डालेंगे इसमें हम खड़ी लाल मिर्च, करी लीव्स, हियर आई एम यूजिंग अनियन पेस्ट। कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल अनियन लेना है, उसको मिक्सी में घुमा के उसका पेस्ट बना दीजिए। उसको एकदम बहुत प्रॉपर तरीके से कुक करना है, ठीक है। अनियंस को लिटिल बिट गोल्डन ब्राउन आ जाए जब तक उसको कुक करना है अच्छे से। सो अगर आपके पास कोकोनट मिल्क है तो अच्छी बात है, अगर कोकोनट क्रीम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों नहीं है जो कि मेरे पास भी नहीं था, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है। आप क्या करिए, आप नॉर्मल अपना दूध यूज करिए, साथ में डेजिकेटेड कोकोनट, ठीक है, वो पाउडर टाइप मिल जाता है आपको मार्केट में, दोनों को एक मिक्सर ग्राइंडर में लीजिए और एक कंसिस्टेंसी तक घुमा दीजिए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ना वो दूध और वो कोकोनट, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी यहाँ पर वही यूज़ किया। अब है ना क्या है, हमारे अनियंस की रॉनेस जा चुकी है, ठीक है। अब मैं ऐड करूँगा इसके बाद जो हमने मिक्सर रेडी किया था मिल्क एंड डेजिकेटेड कोकोनट का, वो मैं ऐड करूँगा यहाँ पर। ये गाइस मिक्सर, इसको भी हम एक अच्छे तरीके से कुक करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर भी ऐड करूँगा हमारा कैश्यू नट पाउडर, ये अच्छी थिकनेस मिलेगी ना हमें, ये है कैश्यू नट पाउडर के साथ। अब इस मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से कुक करना है। अब थोड़ी देर कुक करने के बाद है ना आपको कोकोनट की स्मेल आना चालू हो जाएगी, तभी आपको ऐड करना है इसमें हमारा, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट पेपर, ये वाइट पेपर अच्छा फ्लेवर देगा उसको साथ में कोकोनट के। और यहाँ पर शुगर लिटिल बिट हायर साइड रहेगी, मतलब तो ये थोड़ा ना स्वीट सा सटल सा हमारा करी बनेगी इसकी, इफ़ यू कंपेयर टू आवर देसी वन। हम इसको लाइट येलो कलर देने के लिए लिटिल बिट ऑफ हल्दी ऐड करूँगा, ठीक है, एक अच्छा सा लाइट येलो कलर आएगा। अब इस मोमेंट पे आने के बाद मैं वाटर ऐड करूँगा, उसको अच्छे से मिक्स करूँगा। अब इसको कवर करके अराउंड 10 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। सो इट्स डन एंड वी गॉट दिस प्रॉपर कोकोनट कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो हमारी दोनों ग्रेवीज रेडी है, अब है ना, अब भाई बहुत हो गया, फटाक से हम ख़त्म करते हैं अपना अंडे का किस्सा। तो यहाँ पर मैंने लिया पैन, ठीक है, उसमें डाल दिया मैंने ऑयल, ठीक है। ऑयल डालने के बाद थोड़ा ऑयल को हल्का सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम हल्दी ऐड करेंगे, ठीक है।
ज़रा सी हल्दी ताकि एक अच्छा कलर आ जाए अंडे के ऊपर, और ज़रा सी लाल मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लूँगा। 1, 2, 3 and 4 बीच बीच में ऐसे मिक्स करते रहिए, तो इवनली है ना वो अच्छे से सिक जाएगा। बाउंसिंग एग्स बीच बीच में ऐसा करते रहिए, एक इवनली कलर आएगा हमारे अंडों पे। हाँ सॉरी, आई मीन मुर्गी के अंडों पे। सो रहा देसी एग करी इज रेडी टू प्लेट। सो ये गए अंडे इसमें। ओके और लिटिल बिट ऑफ गार्निश ऑफ कोरिएंडर। अब मेन जो है वो है भाई साहब, ये खास हमारा स्पेशल। स्पेशल सो इसको तो ट्राई करना बनता ही आप लोगों का। बाकी बात करो देसी वाले की, वो तो है ही भाई अपने में खास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ रेसिपीज ट्राई करिए आप। कमेंट बॉक्स आप ही का वहाँ पर कमेंट्स करिए, वीडियोस को लाइक्स करिए थोड़ा। सो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ये लाल बटन दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी। खाइए, बनाइए, मज़े करिए, खुश रहिए एंड खुश रखिए। इसी साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।